जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस वाले चूजे की तबीयत इतनी खराब थी, इस वजह से हमने इसको जो है वो नीचे अपने इस वाले पिंजरे में शिफ्ट कर दिया था। तो अभी जो है वो उसकी तबीयत मतलब बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेंटम वाली हालत हुई है इसकी पूरी। देखें, आप देख सकते हैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इसकी टांग टेढ़ी हुई हुई है अभी तो। अभी ये देखें, ये आँखें बंद कर रहा है बेचारा, कैसी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। तो इसके लिए जो है वो है ना, हमने नेबुलाइजिंग का पूरा सेटअप लगाया हुआ है, अभी हम इसको नेबुलाइज कराएंगे। और यहाँ पे यार ये पानी पी रहा है, इसको दस्तंग नहीं करते। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। जब तक ये पानी मतलब पहले ये पानी पी ले, फिर उसके बाद जो है वो इसको वो फीड कह रहा हूँ, इसको नेबुलाइज कराएंगे। कब डाली थी, कौन सी वाली पापा, कौन सी दवाई डाली थी, कौन सी डाली थी? अच्छा पुरानी जो उसको दी थी गोल्डन सेब्राइट को दोस्तों, इसमें वही कैप्सूल डाली थी जो गोल्डन सेब्राइट को दी थी। इसको भी लेके जाना है, स्टार्ट करना है, ये पानी पी ले पहले। अबे यार इसको देख के इतना दुख हो रहा है कि बेचारे की हालत इतनी खराब हो रही है। मुर्दा बटन खोलो, यहाँ पे ये धुआं आएगा इसमें से और ये लेगा, धुआं नजर ना आ रहा हो शायद कैमरे में, लेकिन बहुत यार इसको मुझे लग रहा है पकड़ना पड़ेगा, ये डर बहुत रहा है इससे। हाँ हमें एक उम्मीद लग रही है कि यही चीज़ इसको थोड़ी बेहतर कर सकती है, बाकी अब देखें क्या होता है। ऐसा करते हैं, इसको थैली से पकड़ लेते हैं, थैली पहन के, फिर उसके बाद करते हैं सही से। यार तो दोस्तों बस आपने भी बहुत बहुत दुआ करनी है। और आपको जैसा कि पता है कि हमारे कबूतर का बच्चा भी मर गया, उसकी मुझे मैं ना ज़रा गया हुआ था, मैं जब आया हूँ तो मुझे इन लोगों ने बताया कि वो जो है ना वो कबूतर का बच्चा मर गया। मुझे वजह बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि वो क्या वजह है, क्योंकि जब मैं जा रहा था ना उस टाइम तो बिल्कुल ठीक था, मैं ऊपर गया भी था, मैंने देखा बिल्कुल सेट था सही, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि वो मर गया। कल मैं गया हुआ था तो अब पता, मुझे अब पता चला कि क्या वजह, मतलब वजह अभी तक नहीं पता चली सॉरी मुझे, ये क्यों क्या कहते हैं क्यों कबूतर का बच्चा वो मर गया। अच्छा खासा बिल्कुल सही था, यहाँ से सही ले रहा है, ये ले रहा है ले रहा है ले रहा है, सांस ले रहा है ना, हाँ तो अंदर जा रहा है धुआं, और बस ठीक हो जाए इंशाल्लाह। यार पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई है, क्या हो गया हमारे एक एक करके परिंदे मरते जा रहे हैं और बीमार होते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चल फिर रहा है यार, लेकिन आप देख सकते हैं मतलब ये परेशान हो रहा है, वो अजीब सा चलते चलते एकदम से गिर रहे हैं। क्या कह रहे हो, हाँ ना वो चल रहा होता है और फिर एकदम से जो है वो टेढ़ा हो जाता है इसको। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो है इसको कहते हैं नेबुलाइज करा दिया, और अब हमारा चूजा जो है वो माशाल्लाह से थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। इंशाल्लाह हम इसको कल भी कराएंगे और फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा दो तीन दिन की मेहनत के बाद। तो यार मुझे मतलब इस पे बहुत तरस आ रहा है यार, क्योंकि ये जिस तरह इसकी हालत है, तो आपने भी इसके लिए दुआ करनी है। तो दोस्तों यार अभी हम लोग इनको ऊपर ले आए हैं, लड़ना देखो वो लड़ना। यार मैं सोच रहा हूँ आज हम ना हम इनको इस केज में रखेंगे, तो अगर इन चूजों ने हमारे इनको नहीं मारा ना, तो हम इनको फिर उधर ही अपने पुराने वाले चूजों के साथ रहने देंगे, वरना हम इनको नीचे ले जाएंगे। यार बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ये लोग लड़े ना, तो हमारे सारे चूजे एक साथ रहेंगे, तो यार बहुत अच्छा लगेगा। और यार अभी आपने देखो लड़ कैसे रहेंगे, देखे उछालो चल के लड़ रहे हैं, देखा ये देखे। तो दोस्तों यार अभी जो है वो मैं ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आते के साथ ही हमने अपने सारे परिंदों को खोल दिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो है हम अपने वाले चूजों को, दो चूजों को भी छत पे लाएंगे, तो हम उनको ले आए वहाँ पे, वो उस साइड पे घूम रहे हैं। मोहेब चूजों को उधर ले गया उधर, और यहाँ पे कबूतरों को भी खोल दिया है। और आज ना मुर्दे सारे, कल भी खोला था ना सारे कबूतरों को, आज भी खोल दो, खुद नहीं खुद निकाल दो बल्कि, हाँ
तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अब मोहिब के पीछे पीछे जा रहा है। मोहिब इधर ले आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये टेंगो, अबे टेंगो इनके साइज में कितना लग रहा है। अबे ये देखिए दोस्तों ये टेंगो के साइज के हिसाब से कितने छोटे लग रहे हैं, और वहाँ पे टेंगो इतना बड़ा। सारे सारे इसी के पीछे आ गए इसको मारने के लिए। और वहाँ पे जो है मुर्तजा ने एक बर्तन पानी का निकाल के रख दिया, और वो अभी फिलहाल देखिए आप कबूतरों को वो निकाल ले, कबूतरों के बच्चे को। ये जब ये कबूतरों के बच्चे को निकाल लिया, अभी क्या कर रहे हैं लोग यार। अगर दोस्तों अगर ये जो है ना इनके साथ घुल गए ना, मतलब ज्यादा लड़े नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, हम जो है ना वो इनको उन्हीं के साथ शिफ्ट कर देंगे दूसरे वाले कैद में। अबे यार और यहाँ पे चीले बहुत ज्यादा आ गई हैं, अब इधर ही घूम रही हैं ये चूजों की वजह से। यहाँ पे जो है वो चीले यार ये भागती नहीं है, जब देखो आ जाती है। और दोस्तों आप मौसम आज देख सकते हैं, फिर से बेहतरीन मौसम हो रहा है, काला काले बादल आए हैं। किसके? अभी तो वही है ना जो। हाँ दोस्तों मुझे आपको ये भी बताना था कि अभी उड़ भी पा रहा है ये जो बच्चा है ना। हाँ उड़ पा रही है ये, उड़ पा रहा है जो भी है अभी इसकी। आपको पता है उस दिन जो मैंने दिखाया था उस वक्त इसकी एक कली जो थी, एक कली इसकी निकली भी नहीं थी आखिर की, वो ये वाली कली थी, ये वाली। और अब आप माशाल्लाह से देख सकते हैं निकल चुकी है, दोनों दोनों निकल चुकी हैं। तो ये अब सही उड़ पा रही है ये पूरे परों के साथ। यार अभी जो है ना वो इनको जल्दी से दाना डाल देते हैं, जाओ दाना डाल दो। तो दाना वाना तो डाल दिया है सबको, और यहाँ पे चीले भी बहुत ज्यादा हैं, और ये यहाँ पे सारे चूजों से खा रहे हैं। और यहाँ पे इन चूजों के तो भाई मजे लगे हुए, यहाँ पे जाके सारे इस वाले केज में घुस गए, बादशाह के केज में घुस के मजे कर रहे हैं। ये देखिए मजे से घुसे हैं सारे। ओ भाई ये तुम लोग का घर नहीं है, बाहर आ जाओ। अब डर इतना रहे वाले चूजे, इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, अबे इनको बाहर तो निकालो यहाँ से, और केज बंद करो, बाहर घूमने के लिए इनको खोले है। अबे तो इन भाई तो इन लोग को घूमने के लिए तो खोले, इससे अच्छा घर में ना बंद कर दें फिर। यार तुम लोग नहीं निकाल ले। तो दोस्तों वहाँ पे पानी के बर्तन भी निकाल के रख दिए किसी ने, पता नहीं किसने रखे। अच्छा इसने इसने रखे बोला नहीं। तो यार अभी इन लोग को बाहर निकालते हैं, और ये केज बंद कर देते हैं, खुद ही बाहर आ गया है। तो चलो चलो बाहर आ जाओ, कबूतर का एक ही काम है, इनको अंदर जा के निकालना पड़ेगा बाहर। चलो भाई। हाँ ये चीले बहुत जा रही हैं, आ रही है इधर इधर से ऊपर ऊपर से। छोड़ो यार इनको रहन देते अंदर ही, बाहर बाहर इनको बार बार आना नहीं है, छोड़ो। थोड़ी देर पहले बादशाह भी इधर था इस साइड पे, अब उधर पहुंच गया। बस ये भूखा है बादशाह हमारा माशाल्लाह से, जब देखो खाता रहता है। देखो उसको, देखो जरा बादशाह की मुर्गी को, किसी और को नहीं खाने देता, गंदा पानी पी दिया वो तो। तो यार वो तो वहाँ पे अपना मस्ती से घूम रहे हैं वो वाले चूजे, मस्ती से नहीं सहमे हुए। यार मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप बताइएगा आपको अच्छी लगी। मैं एक को पकड़ूंगा दूसरा देखिए ठीक आएगा, नहीं आएगा बेटा नहीं आएगा। अरे वो वहाँ बैठ गया, अरे यार ये दो चूजे जो है ना ये तो अभी से ही लड़ाके हैं, इतने अभी से ही लड़ रहे हैं। चूजे नहीं छेड़ो, अभी हम लोग क्या करते हैं बर्तन बर्तन धोएंगे और सबको फिर बन बन कर देंगे। अभी देखें सारे पंदे मजा कर रहे हैं, मगर थोड़ी देर में इनको मजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में हम इनको बंद कर देंगे। और ये भाई साहब इधर बैठे हैं, एंड कर दो भाई। तो दोस्तों यही तक हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।